बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूं शाज़िब भारिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SSTV। तो आज मंडी की अपडेट नहीं दे रहा, आज वो अपडेट देने लगा हूं जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और मुझसे बार बार पूछ चुके हैं। तो आज जो हमारा न्यू फार्म का सेटअप बन रहा है, इंशाल्लाह आप लोगों को उसकी अपडेट दूंगा और दिखाऊंगा कि कितना काम हो गया और कितना काम रहता है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपने फार्म की वीडियो नहीं डाल रहा, सिर्फ इसी वजह से कि जानवर वहाँ थोड़े से ज़्यादा हुए और जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है। तो इंशाल्लाह न्यू फार्म पे आकर हर चीज़ आपको दिखाऊंगा। कैटेगरी मैंने अलग बनानी है जानवरों की, तो वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। और किसी को जानवर पलवाने हो हमसे तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जगह हमारे पास अच्छी खासी है, बड़ी हो गई है, ग्रीन चारा वगैरह हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी हमें साथ ही। तो इंशाल्लाह फार्म दिखाता हूँ आपको, तो फिर वीडियो देखते हैं। अच्छा जी, पहले जो है वो बाहर से ज़रा सेटअप दिखा देता हूँ। बाहर से कुछ ऐसा माहौल नज़र आएगा, ग्रीन चारा ये सामने लगा हुआ है, ठीक हो गया। और ये फार्म का सेटअप बन रहा है अभी, तो गेट से अंदर चल के आपको अपडेट देते हैं क्या सिस्टम है, कितनी जगह है और किस तरह जानवर यहाँ पे पाले जाएंगे। शेड बन रहा है आपके सामने, ज़रा कुछ दिन है अभी, 10-12 दिन है, तो मैंने कहा अपडेट आप लोगों को दे दूँगा क्योंकि काफ़ी लोग बार बार मुझसे पूछ चुके हैं कि आपका फार्म कहाँ तक पहुँचा है। ये शेड बन रहा है, ये टोटल शेड है। यहाँ से वो सामने आप दीवार देख रहे हैं, उस दीवार तक वो भी आपको लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम बनेगा। अच्छा, खुरली एक बनी हुई थी यहाँ पहले ही ऑलरेडी, लेकिन यहाँ शेड वगैरह कुछ था नहीं, तो काफ़ी मजदूर वगैरह लगे हुए हैं। अभी ये मट्टी डलवाई है, ये पूरी नीचे लेवल करने के लिए मट्टी डाली जाएगी। ट्रैक्टर ने शोर मचा दिया। ये मट्टी ये जो डलवाई है, ये पूरी लेवल करेंगे मट्टी का, ताकि जानवरों को आसानी हो खड़े होने में। 2 कनाल जगह है टोटल, ये पूरा फार्म। शेड इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि सर्दी में भी हमें जानवर सेव करने में, बंद करने में आसानी होती है, और गर्मी में भी बारिश वगैरह से भी जानवर बच जाते हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ आसानी होती है। बाकी ये देख लें, ये भी फार्म का हिस्सा ही है। ये रूम्स बन रहे हैं, लेबर रूम, जहाँ पर हम बंडा स्टॉक करेंगे, हमारी लेबर रहेगी और साथ में ही कोई तूड़ी छुड़ी का सिस्टम भी करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये खुली बन रही है एक साइड पे। ये पोर्शन जो है गायों का अलग करना मैंने, इसलिए इधर दीवार है और इधर भी शेड लगेगा, जैसे ये शेड आ रहा है। टोटल शेड आएगा यहाँ पे। भी कोई 10-12 दिन लगेंगे यहाँ पर हमें, और इंशाल्लाह जल्दी फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो इस दीवार और इस दीवार पे भी शेड हम बना लेंगे। खुली वगैरह जो बनी हुई थी, ये थोड़ा सा हमें चलो ऐसे जाके खुली बनी हुई है और शेड बन जाएगा, तो यहाँ पर जानवर तो आराम से सेफ हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर की अभी जो है वो भराई होनी है, वो इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में हो जाएगी, काम सिस्टम सीधा हो जाएगा। और जल्द अज जल्द कोशिश है कि मैं इस फार्म पे शिफ्ट हो जाऊँ। और फिर मैंने जानवरों की बनानी है कैटेगरी, मतलब कि बड़े जानवर और छोटे जानवर एक साइड पर। गायों का पोर्शन ये अलग बन रहा है, आपको दिखाया दीवार के उस साइड पर जो है वो गायें खड़ी रहेंगी, ताकि कोई अगर बछड़ा हमसे खुल भी जाता है, छूट भी जाता है रात के टाइम, तो गायों का मसला ना हो। वहाँ पर हम पिल्लर लगा देंगे या लकड़ी से जो वो बांस मिलते हैं वहाँ से हम एक अलग उनका सिस्टम कर देंगे। और शाम के टाइम बाहर मारने के लिए हमारे पास जगह काफ़ी है। किले लगाएं यहाँ पर, टायर लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो हमारे पास अच्छी खासी जगह होगी बाहर भी जानवर बांधने के लिए। तो जानवर मैंने इंशाल्लाह 60-65 तक ही पालने हैं, इस साल ज़्यादा नहीं पालने। तो किसी को भी हमारे पास अब जानवर अपने छोड़ने हैं तो मेरे नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप रब्ता कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा फुल कि इन कल या परसों में इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करूँ फार्म की भी, उस फार्म की भी अपडेट करूँ। अच्छा, बातें हो रही थी तो फार्म मैंने आपको दिखा दिया, तो मैंने कहा ज़रा फेस कैम पर वो बातें कर लेते हैं आप लोगों से। तो यही है कि जो बछड़े मैंने पालने हैं वो आप लोगों को बता दिए कि मैंने कितने बछड़े पालने हैं,
और किसी को बुकिंग करानी है तो जल्द अज जल्द हमें बुकिंग करा सकते हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही ये फार्म शिफ्ट होगा, मेरे बछड़े यहाँ पर आएंगे, तो मैं मज़ीद जो है वो परचेजिंग भी शुरू करूँगा इंशाल्लाह। और कोशिश करता हूँ कि कल वो वाले फार्म जो मेरे पास जानवर खड़े हैं, जिन लोगों की अमानतें हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जिन जिनके हैं, ताकि उनमें ज़रा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने नहीं दिखाई, एक महीना तकरीबन हो गया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं। पर्सनल तो मैं सेंड कर देता हूं, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि जो सब्सक्राइबर हैं, जो जिनके बछड़े नहीं भी हैं, वो लोग भी हमसे पूछते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो आप सब लोगों का प्यार देने का बहुत शुक्रिया और इंतज़ार करने का काम हमारा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल आप लोगों को वो जानवर भी दिखाऊँ, और फार्म की अपडेट मैंने दे दी है। इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द, ये 10 से 12 दिन लगेंगे मज़ीद, और पूरा हो जाएगा फार्म इंशाल्लाह। दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी बता चुका हूँ मैं कि बन रहा है, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें दिखाएं, तो ये अपडेट एक हो गई। इंशाल्लाह जब शिफ्टिंग करेंगे तब भी वीडियो बनाएंगे, जब जानवर लेकर आएंगे या लोड करेंगे तो मैं इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अब मैं नहीं बनाता बेसिकली कि जानवर के काम दवाई हो रही हो या कुछ भी, मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि जो भी काम हो रहा हो फार्म पर, तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों को लाजमी अपडेट करूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि फार्म पर अपडेट क्या होती है। तो बड़े जानवर और छोटे जानवरों की कैटेगरी अलग, जो 2022 के हैं, 23 के हैं, वो सब अलग करेंगे इंशाल्लाह। और बस दुआओं में याद रखें हमें, और अपना प्यार हमें देते रहें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।